आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल में आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे शुरुआती दौर पे एक्सटर्नल पिवट टेबल। ठीक है, पिवट टेबल की एक छोटी सी समस्या है, हम चलिए उसी समस्या पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब हम पिवट टेबल लगाते हैं, जैसे हमने इस पिवट टेबल को इंसर्ट किया और लगाया, लगाने के बाद मान लीजिए कि मैं प्रोडक्ट बाय टोटल सेल्स का हमने यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे सारा आ चल के रेट में हमने अपने डेटा के अंदर कुछ नई प्रोडक्ट की एंट्री की। जैसे मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और हाउस अप्लायंस की जगह पे हम यहाँ पे TRG का एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। ठीक है, सेव कर। अब जैसे मैं यहां आता हूं, इसको रिफ्रेश रिफ्रेश करने पे, सॉरी मैं ये डेटा लेके अलग जगह लेगा, माफी चाहूंगा, इसमें ग्रुपिंग लग चुका है ना, इसलिए दिक्कत हो गई। इसको मैं यहां से जैसे यहां पे हमने पिवट टेबल लगाया, पिवट टेबल लगाने के बाद मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज सेल्स हमने यहाँ पे डाल। अब रिफ्रेश हम कब करते हैं? जब हमारे पास ये देखिए 34298 है ना, हमने डेटा में मान लीजिए जो सेल्स है इसमें मैंने इसको मैंने 200 कर दिया और इसको मैंने 1000 कर। अब मैं अपने डेटा में जैसे रिफ्रेश करूंगा तो मेरा डेटा यहाँ अपडेट हो गया, देखिए अपडेट हो गया। तो जब आपके पास जो ऑलरेडी डेटा है उसको अगर आप अपडेट करते हैं तो क्या होगा, यहां पे आपको ए निकल आए आ जाएगी, क्या बोलते हैं, अपडेट आ जाए। लेकिन अगर आपने कोई नीचे जाके कोई नई डेटा एक रो चाहे 100 चाहे 1000 रो आपने एंड ऐड किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक TRG नाम का प्रोडक्ट ऐड किया और यहां हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पे TRG कैनोट रिफ्रेश करने पे, सॉरी हम कुछ और कर रहे थे, ग्रुप कर रहे थे, रिफ्रेश करने पे यहां डेटा नहीं आया। नहीं आया क्यों? क्योंकि जब मैंने पिवट लगाया था तो मेरी पिवट का जो रेंज था वो 1162 तक, बट हमने यहाँ एक बढ़ा दिया 6163 कर दिया, तो ये इसने कंसिडर नहीं किया। तो इसके लिए आपको पिवट टेबल की एनालाइज में जाना होगा, चेंज डेटा सोर्स पे जाना होगा और यहां से अपने डेटा को वापस रीसिलेक्ट करना, देन ओके, देन यहाँ डेटा आ जाए। अब ये प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम क्या हो गई कि अगर मान लीजिए कोई डेटा आपका वन टाइम मंथली रिपोर्ट है तो मंथ में एक बार बनता है, नई से नई सिरे से बनता है, दैट इज गुड। लेकिन कई बार क्या होता है कि डेली जैसे डेली रिपोर्ट हो गया तो एक डम फाइल है और डम फाइल के एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे डेटा दलदार चला जाता है, अब उसमें हो जाएगी प्रॉब्लम। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ऑटोमेटिक डेटा ले ले, तो क्या तरीके? देखिए तरीके तीन चार, लेकिन एक तरीका सबसे अच्छा है। पहला तरीका में हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं। अगर टेबल में कन्वर्ट हो गया, अब मैं पिवट टेबल अगर लगाता हूं तो क्या होगा कि एक रेंज नहीं पकड़ रहा है, इस टेबल को पकड़ रहा है। और जैसे कोई नई एंट्री आप यहां करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा टेबल को यहां से इंक्रीज करने, हालांकि ऑटोमेटिक आ जाता है बट यहां से आप इंक्रीज डिक्रीज टेबल को आसानी से कर सकते हैं और टेबल अपडेट होगा तो पिवट भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन टेबल बन जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम होती है, टेबल में कुछ लिमिटेशंस होती है, सो मैं टेबल का प्लान यहाँ पे करता हूँ पोस्टपोन। ओके, तीसरा जो आता है एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तीसरा क्या आता है? एक्सटर्नल डेटा सोर्स मतलब कि हम जो है अलग तरीके मैंने एक्सटर्नल वे में करें, तो उसके लिए मुझे अपने फाइल को करना होगा सेव।
तो यहां पे हम जाएंगे इंसर्ट पिवट टेबल, और यहां पे हम पिवट टेबल नहीं, माफी चाहूंगा, इसमें नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएगा फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस, ब्राउज फॉर मोर, और लोकेशन में जाइए और जो फाइल है था ना इसी फाइल को सिलेक्ट करिए एंड ओपन। यहां से अपना डेटा सीट को सिलेक्ट कीजिए, देन ओके, पिवट लग गए। अब जैसे कि यहां को डेटा अपडेट करते हैं, जैसे मैं यहां पे एक भी टिकट बना लेता हूं, मैं मान लीजिए हम यहीं पे प्रोडक्ट वाइज हमने यहाँ पे सेल्स ले, या रिटर्न ही ले लेता हूं। अब डेटा के अंदर मैं यहाँ पे नई डेटा ऐड करता हूं और इसका नाम मैंने RND कर। अब यहां पे मुझे इसको रिफ्रेश करना, आ गया RND। तो पिवट टेबल, एक्सटर्नल पिवट टेबल लगाते हैं तो दो प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है कमलेश जी, कमलेश अकपाल जी, जब आप एक्सटर्नल पिवट टेबल लगाएं तो प्रॉब्लम क्या हो सकती लोकेशन, वो जो सेव जो फाइल है सेव उसका फाइल है उसका लोकेशन लोकेशन चेंज होएगा चेंज तो होएगा पिवट तो नहीं पिवट बैठेगा। नहीं बैठे। बिल्कुल आपने सही समझा कि लोकेशन में, लोकेशंस में मतलब कि जो मैंने बनाया है पिवट मेरे पीसी पे चले, क्योंकि तो जो लोकेशन डी ड्राइव का फाइल का वो मेरे पास है, आपके पास थोड़ी हो। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि ये सिर्फ रो को अपडेट करता है, कॉलम को अपडेट नहीं करता है। सिर्फ रो को अपडेट करता है, कॉलम अगर चेंज करते हैं तो ये आपको अपडेट नहीं करे। तो एक जो आता है तरीका जो सबसे अच्छा है वो एक फॉर्मूला है, कौन सा, ऑफसेट का। ऑफसेट रेफरेंस में हम यहाँ पे A1 को स्टार्टिंग में तो डेटा सिलेक्ट करिए, रो 0 यहाँ पे कॉमा, रो 0 कॉलम 0 हाई, मतलब कितने रो हैं आपके टोटल डेटा में। अब रो है तो रो फिक्स तो नहीं होंगे, बढ़ते करते रहेंगे, तो हमारे पास एक काउंट ए का फॉर्मूला होता है। इसका काउंट ए, हमने पूरे कॉलम को ले लिया तो ऑटोमेटिकली काउंट करके ऑफसेट को दे देगा कि इतने रो है, और सेम हमने काउंट ए लगा दिया विड्थ में कि भाई इतने कॉलम। अब मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो पूरा का पूरा डेटा दिख जाए, बट मुझे इसको तो पिवट टेबल में लगाना है ना। तो पिवट टेबल में लगाने से पहले आप थोड़ा सा इसको फ्रीज कर लीजिए। अब यहां पे छोटा सा प्रॉब्लम आ गया कि आप किसी भी पिवट टेबल में इस तरह से फॉर्मूला इंसर्ट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला इंसर्ट कर रहा हूं, नहीं, ये बोल ए क्या कहता है कि सिर्फ रेफरेंस लेगा, मतलब कि एक सेल का एड्रेस लेगा या फिर लेगा डिफाइन नेम। तो डेटा में आए और मैंने यहां पे क्या किया, फॉर्मूला बार के अंदर डिफाइन नेम, और यहां पे हमने नेम दे दिया, जैसे डीटी दे दिया डीटी, और इस नेम को मैंने यहां डिफाइन कर, एंड ओ। अब मैं इस फॉर्मूला पे काम करता हूं, मैं इस तरह से कर देता हूं ताकि आप लोग फॉर्मूला देख सकें। अब ऑफसेट फॉर्मूला क्या है, क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में हम फॉर्मूला की क्लास में आपको बताएंगे बेटर तरीके से। फिलहाल अब मैं यहाँ पिवट टेबल लगाऊंगा इंसर्ट में, और यहां पे जस्ट DT लिख दूंगा जो हमने नेम डिसाइड किया था, एंड ओके। देखिए पिवट टेबल लग गया, और ये पिवट टेबल पूरी तरह से डायनेमिक है, रो एंड कॉलम जो भी चेंज होगा वो चलेगा, हर पीसी पे चलेगा। तो आप ऐसे डेटा पे पिवट टेबल लगा रहे हैं जो इन फ्यूचर में डेटा इंक्रीज होते रहता है, और आप मैनुअली अपने पिवट के सोर्स को इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं, देन हम इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल डेटा सोर्स में आप जो है डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेस से आप लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे SQL सर्वर से चाहिए,
आपके पास, मेरे पास एक एसक्यूएल सर्वर है जहां से मुझे डेटा चाहिए। इसके अंदर ये डेटा है, मुझे इसका डेटा यहाँ पे टेबल में, ये डीटीए का डेटा है, मुझे डेटा चाहिए। तो हम इस डेटा पे पिवट लगा, तो पिवट टेबल में एक्सटर्नल डेटा सोर्स में जाएंगे, चूज कनेक्शन, ब्राउज फॉर मोर, और यहाँ न्यू सोर्स में आके एसक्यूएल सर्वर को करेंगे सिलेक्ट। देन नेक्स्ट, यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर का पाथ, जो सर्वर पाथ है वो, और आपके पास आईडी पासवर्ड है, देन यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालेंगे, देन नेक्स्ट, और यहां से अपना क्या सिलेक्ट करेंगे, टेबल, आपका डेटाबेस। तो एफबी के अंदर मेरे पास डीटीए है, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट किया एंड फिनिश एंड ओके। ये देखिए आपके सामने पिवट लग, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहां भरता हूं कि तो मुझे एमएस एक्सेस के अंदर चाहिए, तो फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स ब्राउज फॉर मोर पे जाएं, और यहां जैसे एक्सेल की फाइल सिलेक्ट करते हैं, ऐसे आप एक्सेस की फाइल सिलेक्ट करें। यहां से हमने अपना डेटा सिलेक्ट किया, डेटा क्यूडी जो लेना चाहे ले सकते हैं। ये देखिए आपका एमएस एक्सेस से डेटा है, लेकिन मुझे पिवट लगानी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरा डेटा एक फाइल में नहीं, मैं डी ड्राइव के अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर, जिसमें मेरे पास 8 फाइलें हैं, अब 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो जहां मेरे पास 8 फाइलें हैं, और 8 फाइलों में मुझे पिवट लगाना है। अब प्रॉब्लम ये है ये 8 फाइलों के अंदर डेटा जो है टाइप सिमिलर है, पर डेटा अलग अलग, मैं 8 अलग अलग लोकेशन से आया हुआ है। अब इसको एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लगाना, कॉपी करके फिर पिवट लगाना पड़ेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपको लगेगा पिवट टेबल से नहीं, ये आपको लगेगा डेटा में, गेट डेटा में आइए, फ्रॉम फाइल, मैंने कि आपका एक्सटर्नल डेटा सोर्स नहीं, मतलब कि इम्पोर्ट डेटा से लगेगा। और यहाँ पे हम डेटा नाम का फोल्डर सिलेक्ट करके एंड ओके, ये देखिए सारे फाइल आ गए। अब यही पे मैं लोड कर दूंगा तो लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे कंबाइन एंड लोड टू करना है। क्या करना है, कंबाइन एंड लोड टू, और यहाँ पे आप फर्स्ट फाइल सेकंड फाइल जो करना है कर लीजिए, सीट को सिलेक्ट कर लीजिए, देन ओके। और यहां से मुझे पिवट टेबल रिपोर्ट में चाहिए, देन ओके, ये आपके पास डेटा आ जाए, ठीक है। अब यहां से आप लगा सकते हैं रिपोर्ट अपनी, मुझे यहां पे सोर्स नेम को मैं फिल्टर में रख देता हूं, और यहां से अपना जैसे नवंबर का टोटल कर दिया रिपोर्ट। यहां से आप अलग अलग फाइलों को देख सकते हैं कि फाइल नंबर 1 का क्या रिपोर्ट है, फाइल नंबर 2 का क्या रिपोर्ट है, फाइल नंबर 3 का रिपोर्ट क्या है, यहां से आप आसानी से देख सकते। और इसके बारे में डिटेल करेंगे तो आपको पावर पीडी क्लासेस में समझाया, अगर पावर पीडी को आपको इंतजार नहीं करना है, तुरंत पढ़ना है, तो अभी 9 बजे हमारी एक और सेम बैच है जिसमें हम पावर क्वेरी पढ़ाने वाले हैं, तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग पावर क्वेरी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब इसको मैं यहां पे सेव करता हूं। अब हम बात करते हैं पिवट टेबल की लास्ट टॉपिक, पावर पिवट टेबल के बारे में, पावर पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल का क्या यूज है, चलिए इसके बारे में जानते हैं।
सो मेरे पास तीन अलग अलग सीट है, सेल्स प्रोडक्ट एंड कस्टमर, सेल्स प्रोडक्ट एंड कस्टमर। यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यहां आपको डेटा दिख रहा है। अब इस डेटा में प्रोडक्ट है हमारे पास। अब प्रॉब्लम है कि मुझे रिपोर्ट बनानी है, पर रिपोर्ट जो बनानी है वो मुझे बनानी है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। पर प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरा प्रोडक्ट है वो किसी और शीट पे। अब मेरे मेन शीट पे क्या है, प्रोडक्ट की आईडी है। क्या है, प्रोडक्ट की आईडी। अब यही पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट की आईडी जो है हमारी, वो क्या है कि यहाँ पे मुझे इसकी वी लुकअप लगा के फिर डेटा ला के फिर पिवट लगा। हम चाहते हैं कि तीनों सी के अंदर हमारा पिवट लग जाए। इसके लिए हम पावर पिवट टेबल का इस्तेमाल। अब पावर पिवट टेबल का जो ये आपका विंडो है, ऐसे आपको नहीं आएगा। सबसे पहले तो आपकी फाइल जो है डॉट एक्सलेस एक्स नहीं होनी चाहिए। मैं पी डेटा जो है डॉट एक्सलेस एक्स फाइल है, तो सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं। कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे जाना होगा फाइल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, एड इंस। यहां पे मुझे कॉम एड इन सिलेक्ट करना होगा और गो पे जाना होगा। और यहां पे मुझे पावर पिवट फॉर एक्सेल पे क्लिक करके यहां पे ओके करना, देन आपके पास पावर पिवट का ऑप्शन आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, एक एक्सेल जैसा ही सिमिलर एक विंडो खुल के आए। अब मुझे वापस अपने एक्सेल पे जाना है, डेटा को सिलेक्ट करना है। जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, टेबल में है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और पावर पिवट के अंदर ऐड टू डेटा मॉडल देखे, मतलब कि मैं अपने एक्सेल सीट का डेटा कहाँ पे ला रहा हूँ, पावर पिवट के अंदर। फिर प्रोडक्ट पे आता हूँ, हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं ऐड टू डेटा मॉडल। ऐसे तीनों जितने भी शीट्स हैं सारे शीट्स को सेलेक्ट करके आप डेटा मॉडल में आ जाए। यहाँ पे आ गया टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री। अब इन तीनों के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप करना है। तो डायग्राम व्यू में जाइएगा, मेरा मेन क्या है ये रहा। अब इसको ड्रैग करते हैं। अब मैं इसकी पीआईडी को उठाया और टेबल टू की पीआईडी के ऊपर ड्रैग कर दिया, और यहाँ पे सीआईडी उठाया टेबल थ्री के सीआईडी पे ड्रैग कर दिया। तो ये आपस में क्या हो गया, लिंक हो गया। लिंक होने से पता चलेगा कि भाई पीआईडी से ही यहाँ पे जैसे वीलुकअप लगाते हैं ना, वीलुकअप से में लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको रिलेट करना पड़ेगा कि तीनों में कौन कौन कॉमन। अब ये पे टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, तो यहाँ पे आप दें सेल्स सेल्स। फिर यहां पे करें प्रोडक्ट, प्रो कर दीजिए या प्रोडक्ट कर दीजिए। एंटर प्रेस करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और यहां पे हम कर देते हैं कस्टमर। अब यहां सेल्स पे आते हैं, तो अब यहां पे क्या करना है, ऐड कॉलम पे क्लिक करते हैं। अब ऐड कॉलम पे यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का नेम लाना है, क्या लाना है, पी नेम। यहाँ पे हम पी नेम लिखते हैं। अब पी नेम में डेटा कैसे आएगा, तो यहाँ पे जैसे एक्सेल में वी लुकअप होता है, ऐसे यहाँ पे होता है रिलेटेड का फॉर्मूला। किसका, रिलेटेड का। तो रिलेटेड का फॉर्मूला लगाइए, और लगाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया प्रोडक्ट का नेम और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस मारा, तो ये आपका प्रोडक्ट नेम है। लेकिन प्रोडक्ट नेम में पीआईडी के बगल में जाता हूं, कोई बात नहीं, इसको यहां से इस तरह से मूव किया जा सकता।
हम एक बार और ऐड कॉलम करते हैं और यहां पे लेते हैं एमआरपी, और यहां सेम हम देते हैं रिलेटेड का फॉर्मूला, और इसके अंदर हमने प्रोडक्ट प्रो एमआरपी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं, और एमआरपी मुझे क्वांटिटी के जस्ट बगल में चाहिए। अब मुझे इस पे क्या करना है, मुझे इस पे अमाउंट निकालना है, तो एक और ऐड टेबल करता हूं और यहां पे अमाउंट लिखता हूं, और इस अमाउंट के अंदर मैं क्या करता हूं, क्वांटिटी QTY लिखा और टैब से सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय MRP लिखा और सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब इसको भी मुझे MRP के जस्ट बगल में रखना है। अब मुझे यहां पे कमीशन निकालनी है। अब कमीशन का सिंपल फंडा है कि जो 500 से ऊपर का अमाउंट है उस पे हम लगाएंगे 12% की EMI, सॉरी GST, या फिर टैक्स GST मान लीजिए, और जो 500 से नीचे वाले पे है उस पे लगेगा 5%। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, एड कॉलम में गया, यहाँ पे GST लगाया और यहाँ पे फॉर्मूला दिया इफ का, इफ के अंदर हमने बोला अमाउंट, अमाउंट इज ग्रेटर देन 500, तो अमाउंट का 12%, परसेंट के सिंबल के नीचे रेड आ गया, इसका मतलब ये नहीं लेगा, तो आपको 0.12 करना, अदरवाइज अगेन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 0.05, और यहां पे मैंने एंटर प्रेस कर, और फिर इसको उठा के मैं अमाउंट के जस्ट बगल में रख। तो इस तरह अब जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, हमारे डेटा पे किसी तरह का चेंजिंग नहीं हो रहा हमारे। डेटा पे किसी तरह का चेंजिंग नहीं हो रहा है। अब इस पे मैं सबका टोटल करना चाहता हूं, तो यहां पे मैंने कर दिया टोटल, और यहां पे मैं करता हूं ये अमाउंट प्लस GST, टैब प्रेस कीजिएगा, पूरा मत लिखिए। अब मैंने फाइनल कैलकुलेशन वगैरह हमारा हो चुका, रिलेट वगैरह हो चुका, अब मुझे चाहिए पिवट टेबल, डायरेक्ट क्लिक कीजिए पिवट टेबल पे, तो वापस एक्सेल में आ जाएगा, न्यू वर्कशीट पे आ गए। अब यहां देखिए तीनों शीट आ, तीन अलग अलग शीट पे आप पिवट लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां प्रोडक्ट नेम को रखा, सेल्स में हमने सेल्स से जो है टोटल टोटल जो अमाउंट है इसको रखा, और वापस हमने यहां पे कस्टमर से जो है हमने कस्टमर का सिटी लास्ट नेम सिटी रख लेते, सिटी रख, रिपोर्ट बन गया। अब इस पे आप इसके ऊपर भी आप स्लाइसर वगैरह फिल्ट्रेशन वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं पिवट टेबल एनालाइज में गया स्लाइसर, अब तीन अलग अलग का स्लाइसर यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मंथ लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ एम्प्लॉय लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से लास्ट नेम लेना चाहता हूँ, तो इस तरह से आप तीनों का अलग अलग कर सकते हैं। तो आप पावर पिवट की मदद से कई सारे डेटा के ऊपर पिवट टेबल लगा सकते हैं, रिलेटेड करके, क्या करके, रिलेटेड कर। बाकी अगर आपको और इसके अंदर से कि आपको टेक्स्ट से, नोटपैड से, पीडीएफ से, सबसे लगाना है, तो उसके लिए आपको सर डेटा कनेक्टिविटी या पावर क्वेरी के बारे में जानना। तो पिवट टेबल का टॉपिक मैं यहां पे करता हूं फिनिश।
और पिवट टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिवट टेबल आपके 70-75 जो परसेंट फाइल है, जो रिपोर्ट्स है, उसको कर देता है। ठीक है सर? जी सर, जी सर। तो अभी 9 बजे आप लोग ज्वाइन करेंगे पावर मिली के लिए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, करेंगे सर। कमलेश जी, ऋषिदा जी, सैरिक जी, तेजा जी, हाँ जी सर, लिंक भी। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है जी ना, नहीं, ना, नहीं, नहीं, नहीं। आज पहला लेक्चर है क्या सर? नहीं, पावर क्यूरी जैसे कि नहीं हुआ कि आप लोगों का भी पावर क्यूरी होगा, आगे होगा, लेकिन आपने पिवट टेबल लगाया है ना, तो पावर क्यूरी और पिवट टेबल जो है आपस में रिलेटेड है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा पावर क्यूरी इसके पावर पिवट के साथ करेंगे। तो अब क्या है ना कि अच्छा सर आपकी पावर क्यूरी 10-12 क्लासेस बाद होगी, पता नहीं कि उस तब तक आप चीजें भूल जाएंगे, ठीक है ना? और मेरा क्या होगा, मेरा एक दिन बच जाएगा, और क्या, बस एक क्लासेस आपको जो पावर क्यूरी की देनी थी वो आज जो है इकट्ठा हो जाए, बस मेरा ये फायदा है। तो आपका फायदा यह होगा कि यहाँ से आप पॉपुलर टेबल में रिलेट कर सकते, क्योंकि पावर पीढ़ी की लगाने का मेनली फोकस वापस यही होता है कि हम उस पर पिवट करें। ठीक है, ओके सर, ओके और एक ही सर। क्लास है पावर पीढ़ी, ज्यादा नहीं। चलिए, तो अभी मिलते हैं 9 बजे।